एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है और इसको सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सरिता अबाउट 2x5 मीटर ऑफ रिबन, मतलब सरिता इतना पार्ट रिबन खरीदती है, एंड ललिता 3x4 मीटर ऑफ रिबन, और ललिता इतना मीटर रिबन खरीदती है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द रिबन दे अबाउट, तो उन दोनों जितना रिबन खरीदती है तो उसका टोटल लेंथ, टोटल लंबाई क्या होगा, इसको हमको ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले सरिता कितना लेंथ खरीदती है, सरिता अबाउट रिबन, सरिता रिबन खरीदती है कितना 2x5 मीटर, और ललिता, ललिता अबाउट रिबन, ललिता रिबन कितना खरीदती है 3x4 मीटर। तो टोटल लेंथ दोनों का क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2x5 प्लस 3x4। ऐड करने से सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इसका एलसीएम करना होगा। तो एलसीएम ऑफ 5, 4, एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम निकलेगा नहीं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही इसका एलसीएम होगा। तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 4 क्या हो जाएगा, 5 × 4 इक्वल टू 20, एलसीएम 20 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे, एक लाइन लेंगे हम लोग और 20 उसके नीचे लिखेंगे, इस 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में गया तो 4 × 2 = 8, मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, 8 हो गया। अब यहाँ पे 20 को 4 से फिर डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, 5 बार में गया तो 5 × 3 = 15, 15 हो गया। अब यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे, 15 और 5 कितना हो गया 20 और 3 23 23 by 20, इतना मीटर हो जाएगा और ये टोटल लेंथ यही होगा, यही आंसर हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 3 है हम लोग के पास और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, नैना वाज गिवेन इतना पीस ऑफ केक, नैना को इतना पीस ऑफ एक केक का टुकड़ा इतना दिया गया, एंड नजमा वाज गिवेन इतना पीस ऑफ केक, और नजमा को एक केक का इतना टुकड़ा दिया गया। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ केक वाज गिवेन टू बोथ ऑफ देम, तो उन दोनों को जो टुकड़ा दिया गया केक का, तो उन दोनों का, दोनों का पार्ट मिला के कितना हो जाएगा, मतलब इन दोनों को हमको जोड़ देना है। तो इसको ऐड कर लेते हैं हम लोग, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नैना को कितना पीस मिला, ठीक है, नैना, तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैं नैना गॉट पीस ऑफ केक इतना, उसको इतना केक का टुकड़ा मिला, उसके बाद नजमा हो गया, फिर नजमा गॉट पीस ऑफ केक इक्वल टू, उसको कितना दिया गया 1 and 1/3 इतना मिला। तो दोनों का टोटल पार्ट जो है मिला के कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ केक, अमाउंट ऑफ केक क्या हो जाएगा, इक्वल टू दोनों को ऐड कर देंगे 1 and 1/2 plus 1 and 1/3, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हम लोगों का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इसको सीधा करना होगा, ये कितना हो जाएगा 2, 1 + 2 और 1, 3 हो गया, 3 by 2 plus 3, 1 + 3 और 1, 4 हो गया, तो 4 by 3, तो इन दोनों का 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम, एलसीएम ऑफ 3, 2 and 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं और इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, यहाँ एक लाइन लिए और एलसीएम जो है उसको नीचे ले लिए। अब यहाँ पे 6 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 2 × 3 = 3, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 = 9 हो गया, प्लस हो गया, और इस 6 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 × 2 = 6, 2 बार में जा रहा है, और उस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो गया, तो 8 हो गया यहाँ पे, तो 8 × 8 = 16 और 1 = 17 हो गया, 17/6 हो गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बना देते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 × 2 = 12 हो गया, 6 × 3 = हम जाते हैं 18, मतलब इससे ज़्यादा चला जाता है, इसलिए 2 बार में जाएंगे तो 2 हो गया, और यहाँ पे बच कितना गया, तो 5 बच गया, तो यहाँ पे 2 and 5/6 इतना टोटल पार्ट हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सरसाइज 7.6 का क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग के पास और इसको सॉल्व करना हम लोगों को। तो यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द बॉक्सेस,
यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ बीच में एक फ्रैक्शन मिसिंग है जिसको हम लोगों को भरना है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग को लिखा हुआ है, तो ए पार्ट में देखते हैं हम लोग, ए और बी मेरे पास है और यहाँ पे यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पे देखते हैं। तो इसको हम लोग जानने के लिए क्या करेंगे, छोटे छोटे नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 10 लेते हैं और यहाँ माइनस करते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये 10 अगर मान लेते हैं कि मेरे पास नहीं है तो ये 10 कैसे आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 और 4 को ऐड कर देने से 4 प्लस 6 करते हैं, 6 को हम इधर ले जाते हैं और ऐड कर देते हैं, तो हम लोगों को मिल जाएगा 10, मतलब ये नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ नहीं है, इसका मतलब है कि इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये आपको लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएगा, 1/4 प्लस 5/8। तो इन दोनों को अगर हम एलसीएम करते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 8। जो छोटा नंबर रहता है उसका टेबल में अगर बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर ही एलसीएम होता है। तो यहाँ पे 8 हो गया, 4 2 8 टू बार में गया और 2 1 2, इसको मल्टीप्लाई कर देने से 2 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे आएगा, डिवाइड करेंगे 8 को 8 से तो 1 बार में जाएगा और उस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5। तो यहाँ पे हो गया 5 2 7 हो गया, 7/8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, मतलब 7/8 यहाँ पे भर जाएगा, 7/8 ये हो गया। अब यहाँ पे उस तरह से बी नंबर में दिया हुआ है, तो यहाँ उसी तरह कंडीशन सेम है जैसा कि ये था। तो इन दोनों को हम ऐड करने से हम लोग को पता चल जाएगा, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 1/2 हो गया प्लस 1/5 हो गया। इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 5 2 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक लाइन लेंगे और यहाँ 10 लिखेंगे, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 10 फाइव बार में जा रहा है और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 प्लस, फिर 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10 टू बार में जा रहा है और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 ये हो गया। अब 5 2 7 हो गया, 7/10। तो ये यहाँ पे भर जाएगा 7/10, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका एक पार्ट और है, उसको ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सी पार्ट है और यहाँ पे बीच में नहीं है, ये यहाँ पे फ्रैक्शन जो है मिसिंग है, इसमें से क्या घटाएंगे कि इतना आ जाएगा। कैसे पता चलेगा, कुछ छोटा नंबर ले लेते हैं, यहाँ 10 लेते हैं, यहाँ पे -6 = 4। तो मेरे पास क्या नहीं है, ये बीच वाला नंबर नहीं है, मान लेते हैं कि 6 नहीं है, तो ये 6 हमको कैसे प्राप्त होगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 10 से इस 4 को माइनस कर देंगे। अगर 10 - 4 होगा तो हमको 6 मिल जाएगा, इसका मतलब है कि इससे इसको माइनस कर देंगे तो हम लोगों को उसका आंसर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इसको आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। आप किस तरह से किसी जो हिसाब दिया हुआ रहता है उसको आप ठीक से कैसे समझें, उसके लिए छोटा नंबर लेके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे -1/6, तो इसका आंसर हम लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम जो है छोटा नंबर का टेबल में बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा नंबर ही होता है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 हो गया और उस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3 माइनस हो गया और यहाँ पे 6 1 6 1 बार में जा रहा है और उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 1 1 1, तो 3 में से 1 माइनस हो गया कितना बच जाएगा, 2 2/6, तो 2 से ये कट जा रहा है, 2 3 6 3 बार में कट गया, 1 = 1/2 मतलब 1/3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, 1/3। तो हम लोग यहाँ पे इसको भर देते हैं 1/3, तो ये कम्प्लीटली इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कम्प्लीट हो गया, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।